Let's go in. Salam. Assalamu alaikum viewers, this is Mohsin Ali. Aaj hum aaye hue hain the king of biryani, mean the biryani king in the Riyadh. So aaj hum yahan pe inki jo dishes hain wo try karenge aur aapko batayenge how is it. I hope the biryani king is the king of biryani. Let's see. Bhai ye kya kya hai? Ye nehri ka boti hai aur nali hai, jo nali nahi hai jo uska nehri ka boti. व्यूअर्स, हमारा खाना आ चुका है. हमने आज ऑर्डर किया है बिरयानी. हमारे पास इनकी हलीम है और नली निहारी. तो लेट्स सी, आज हम ये सारी डिशेस ट्राई करेंगे और आपको रिव्यूज़ देंगे. हाउ इज़ इट, लेट्स गो. तो सबसे पहले मैं इनकी हलीम ट्राई करने जा रहा हूँ. लुक एट द यमी यमी हलीम. बिल्कुल हलीम. ओ लेट्स सी, आई विल ट्राई द हलीम फर्स्ट. इसमें ये साथ इन्होंने हमें ये थोड़ा दिया हुआ है, इसकी हम गार्निशिंग करेंगे और हलीम को ट्राई करेंगे. सबसे पहले हम इसके ऊपर थोड़ा सा ये धनिया डाल लेते हैं, थोड़ा सा ये अदरक और साथ में ये थोड़ा सा लीमू. सो लेट्स सी हाउ इज इट. सो साथ इन्होंने ये हमें नॉर्मल रोटी दी हुई है, तो इसके साथ इसको ट्राई करेंगे. तो लेट्स सी, हम अभी इसको ट्राई करते हैं. ये साथ इन्होंने प्याज फ्राई करके डाला, तो ये मैंने लिया है थोड़ा सा. नाउ लेट्स सी हाउ इज़ इट. ओ वाओ, द हलीम इज़ सो ऑसम. बहुत मज़े किए व्यूअर्स. तो आप देख सकते हैं इतने अच्छे तरीके से ये बनी हुई है, जैसा कि आप देख रहे हैं. और दिस परफेक्टली मेड, ये कितने अच्छे तरीके से बनी हुई है आप इसको देख सकते हैं. ये बीफ हलीम है और ये एक प्रोफेशनल वे से इसको इन्होंने बनाया हुआ है. हर चीज़ परफेक्टली कुक हुई हुई है और इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं बहुत लेवल के हैं ना. ये बहुत स्पाइसी है. और आफ्टर द ऑसम हलीम, बहुत मज़ा आया हमें हलीम ट्राई करने का. यमी, दिल कर रहा है इसी टाइम सारी खा जाएं. बट आप दूसरी चीज़ें भी पड़ी हुई हैं, उसका भी आपको बताना है. तो अभी हम चलो और ट्राई करते हैं. आप देख सकते हैं ये इन्होंने इसके ऊपर व्यूअर्स ये नली डाली हुई है सारी, ये वाइट वाइट. हाउ इज़ लुक, हाउ इज़ ऑसम. और साथ में ये आप देख सकते हैं ये बीफ है इसके अंदर. And perfectly cooked, जिसको आप बोलते हैं perfectly cooked, ये उस तरह की बनी हुई है. तो look the meat, look how is standard. Oh wow, now we'll try it.
मेरा हाथ गिर गया, पहले मेरी तरफ करना थोड़ा सा। अब इसको हम कैसे ट्राई करेंगे, हम पहले थोड़ा सा इसका बीफ ले रहे हैं। अब मेरी तरफ लुक, वेयर इज़ द बीफ, ओ वाओ, लुक एट द बीफ, सो टेंडर, यम्मी। तो इसका हम थोड़ा सा ये बीफ लेंगे, लुक एट द बीफ, इट्स सो टेंडर, वाओ। नाउ ये थोड़ा सा फैट डाल लेंगे, ये जो नली बोलते हैं जिसको, ये हमने इसके अंदर डाली है। ओ वाओ, वेयर इज़ द नली, ओ लुक एट द नली फैट्स, ये हमने इसके ऊपर रखा है। सो वाओ, इट्स सो अमेजिंग। मैंने अभी तक ये नली नहारी ट्राई नहीं की रियाद के अंदर किसी भी होटल में अभी तक, बट इट्स सो ऑसम। ये आप देखें कितने अच्छे स्टाइल से ये बनी हुई है, लुक एट द, इसकी ग्रेवी की तरफ देखें आप, बहुत ही परफेक्टली कुक हुई हुई है। और ये देखें जिस नली बोलते हैं, ये इन्होंने हमें ऊपर डाल के दी हुई है, इट इज़ परफेक्टली ऑसम। बहुत मज़ा आया मुझे निहारी, ये निहारी ट्राई करने का। I can say that this is the best nihari I ever tried. Wow, it's so amazing. After the yummy yummy nihari, the nali nihari, now let's come toward the biryani. How is it? We will try it now. So, idhar se le lete hain thoda sa. अब मैं इनकी बिरयानी ट्राई करने जा रहा हूँ। दिस इज़ अ चिकन बिरयानी, ये इन्होंने हमें चिकन दिया हुआ है, सो आई विल टेक इट हियर। और लुक एट द राइस, आई विल टेक द, थोड़ा सा ये तेज के ऊपर चिकन लिया। आफ्टर एवरीथिंग द परफेक्ट निहारी एंड द हलीम, नाउ टूवर्ड्स बिरयानी। अब हम बिरयानी ट्राई करने जा रहे हैं, लुक एट द बिरयानी, सी हाउ इज़ इट, लुक लुक एट माई बिरयानी, या वाओ, वाओ। व्यूअर्स, टुडे वी आर इन बिरयानी किंग, और आप कह सकते हैं कि ये वाकई ही बिरयानी ऑफ द किंग है। यूजली सेला राइस के साथ बिरयानी इतनी मज़े की मैंने पहले नहीं खाई, यूजली मैंने ट्राई की है सेला राइस बिरयानी के, बट वो मज़ा नहीं आता था। बट इन्होंने आप देख सकते हैं बहुत परफेक्टली कुक की हुई है, एक एक इसका राइस आप देखें सेपरेट नज़र आ रहा है आपको, बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने बनाया हुआ है। और जो इसके अंदर इन्ग्रीडियंट्स यूज़ किए हुए हैं बहुत ही सिंपल हैं, ना बहुत स्पाइसी है और ना ही आप कह सकते हैं लेस स्पाइसी है। यू कैन सी दैट अगेन, लुक रियली इट्स सो ऑसम। बिरयानी इतनी परफेक्ट, हम उसको के पास जाते हैं जिसने ये बिरयानी बनाई है, तो उससे हम पूछते हैं कि इसने इसके अंदर मसाले कौन कौन से यूज़ किए हुए हैं। अगेन आई विल टेल यू दैट कि सेला राइस के साथ इतनी मज़े की बिरयानी नहीं बनती, क्योंकि मोस्टली ये सेला राइस ये वो खबसे में जो सऊदी में तो उसमें यूज़ होते हैं, तो मुझे इसकी बिरयानी का रियली मज़ा नहीं आता था। मसाले सही से चावल के अंदर अच्छे हुए हैं, दिस बिरयानी विद सेला राइस वेरी नाइस। जी ब्रदर, आप क्या क्या मसाले बिरयानी में यूज़ करते हैं? इसमें जो मसाला यूज़ करता हूँ, रेगुलर मसाला जो है तेज़पत्ता, बड़ा इलायची, लौंग, खाल और दालचीनी, फिर वो जो अदरक लहसुन, कच्चा मरीच, हरी मरीच का धनिया, पिसा हुआ मरीच, सब कुछ इसमें डाला जाता है ताकि अच्छा खासा टेस्ट निकले इसका। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। जी सर, मेरा नाम मोहम्मद शारिक इकराम है और मैं बिरयानी किंग का एज अ फाउंडर मेंबर काम कर रहा हूँ यहाँ पर। और ये रेस्टोरेंट हमने लास्ट मार्च 2020 में हम लोगों ने स्टार्ट किया था, और ये प्रोजेक्ट बेसिकली स्टार्ट किया था, और जुलाई 17 से हमने इसकी बाकायदा ऑफिशियल ओपनिंग करी थी। ज़्यादा आइटम्स नहीं है मेरे पास, बिरयानी और निहारी से हम लोगों ने स्टार्ट किया था, सिर्फ इस वजह से कि रियाद में एक हम अच्छा पाकिस्तानी टेस्ट इंट्रोड्यूस करा सकें। यहाँ पर कराची के रेस्टोरेंट तो पहले भी अवेलेबल थे, मगर उनको एक अथेंटिक टेस्ट कराची का नहीं मिल पा रहा था, जो कि हमने अपनी कोशिश की है कि हम वो प्रोवाइड करें और लोग उसको इंजॉय करें।
हम लोग जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हैं अपनी बिरयानी में, स्पेशली निहारी में और हलीम में, तो वो बिल्कुल ही बहुत अच्छी क्वालिटी के इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हैं। बीफ में हम लोग प्योर पाकिस्तानी बीफ यूज़ कर रहे हैं, जो कि एक दिन पहले ही स्लॉटर होता है और हमारे पास आ जाता है। फ्रेश चिकन यूज़ कर रहे हैं, फ्रोज़न चिकन हम लोग यूज़ नहीं करते बिल्कुल भी। और फ्रेश चिकन की वजह से बिरयानी का टेस्ट बिल्कुल एक बहुत अच्छा निकलता है, फ्रेश बीफ की वजह से निहारी का टेस्ट बहुत ऑथेंटिक निकलता है। और तो मेरी यही रिक्वेस्ट है आप सब व्यूअर्स से कि आप लोग हमारे रेस्टोरेंट पे आएँ, इंजॉय करें फूड को यहाँ के, और हमें ऑनेस्ट फीडबैक दें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलामुअलैकुम ब्रदर। वालेकुम सलाम। हाउ आर यू? फाइन, हाउ आर यू? सो व्हाई यू आर हियर? I'm here because I think this is one of the best biryanis I ever had in my life. Oh, really? Yes, because this is actually a different one from the usual biryanis that we know. Because there are a lot of restaurants in the Riyadh, especially in biryani. Yeah, but this is actually... So, why you choose this one? This is a Pakistani biryani. This is what I know and I heard of. I got recommended to this restaurant by one of my colleagues who is Pakistani. So once I actually came here, I was shocked because they don't put the garnish, the fried onions and all the different layers, you know? Yeah. Sometimes it comes like with a bit of, what do you call it? Like saggy, not like, this is actually dry. You can see the rice. Yeah, it's, itself, yeah, yeah, it's dry. Yeah, you can. Yeah, it's like actually different than any biryani you ever would saw in your life. That's true. Yeah, that's and true. The taste is really unique, actually. That's one of the... best biryanis again I ever thank had. You brother thank you You're enjoy welcome. Your biryani thank you very much thank you tane mujhe taqreeban 8 mahine ho gaye yahan pe to kaisa taste hai inka taste bahut acha hai riyadh mein I mean one of the best nihari hai inke paas aur biryani bhi inki bahut achhi hai aur riyadh ke andar pehle jo hai pakistani taste ke andar restaurant ke andar missing thi nihari thi हलीम मिसिंग था अच्छी बिरयानी मिसिंग थी जो कराची के अंदर जो मोस्ट फेमस डिशेज हैं बिरयानी किंग ऑलवेज द किंग